अपनी एरियर है, इसको लेके चलेंगे और तरुण जाएगा जो कि IT लेके जाएगा। चल 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 आगे चल। सो वो चल रहा है, अब अपन भी चलते हैं। आज तो ऐसे लग रहा है कि भाई पायलट बन गया और एरोप्लेन चला रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। तो गाइस पेट्रोल डलवा रहे हैं और चल रहा है सिस्टम। इसका इंटीरियर ही ऐसा इंटीरियर है, ये म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये बाकी ऐसी वैसी के इवेंट्स हो गए, ऐसी अपनी I10 और वो ही अपनी हैरियर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम लोग चलेंगे हैरियर को लेके, थोड़ा गेड़ी सेड़ी मार के आएंगे। सो ये अपनी हैरियर है, इसको लेके चलेंगे और तरुण जाएगा जो कि I10 लेके जाएगा। सो हैरियर से चलेंगे अपन, गेड़ी सेड़ी मारे हैं और उसके बाद में इसका जो रिव्यू है वो देखते हैं क्या होता है। सो चलो चलते हैं। सो गाइस हैरियर में आ गए हम लोग और ये बहन अपने साथ चल रही है, उनको छोड़ना है ऑफिस और हम चलेंगे सीधे आके फिर। दीदी के ऑफिस पहुँच गए हैं, सर पूजी है जो ऑफिस पर जा रही है, हमने उनको ड्रॉप कर दिया और फिर हम लोग चलेंगे अब सीधे गेड़ी सेड़ी मारेंगे आगे की तरफ। और इतनी देर में तरुण आ जाता है, तरुण का वेट कर लेते हैं, वो मेरे से पीछे रहेगा, वो I10 लेके आ रहा है तो वो आ जाता है अभी, फिर उसके बाद में चलते हैं। तो भाई आपको थोड़ा इसका मैं रिव्यू दिखा देता हूँ, गाड़ी का बहुत खतरनाक है यार ये, तो वो बोलते हैं ना एरोप्लेन, वो एरोप्लेन ही है भाई साहब, जैसे भगती है खतरनाक तरीके से, क्या ही बताऊँ आपको मैं। बहुत शानदार व्यू है यार गाइस, आपको म्यूजिक सिस्टम सुनाता हूँ देखो इसको। तो गाइस तरुण भी आ गए, वो पीछे खड़ा अपने जा रहा है, अपन इसके पीछे भी चलेंगे। चल 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 आगे चल। सो वो चल रहा है, अब अपन भी चलते हैं। सो गाइस तरुण चला गया, यहाँ से हम इसमें डीजल डलवाएंगे गाड़ी में। सो इसमें डीजल डलवाने के बाद चलेंगे आगे, तरुण भी अभी पेट्रोल पंप ही है तो डीजल वीजल डलवा के फिर आगे चलेंगे। सो पेट्रोल पंप पे चलते हैं। गाइस ये है पेट्रोल पंप और इसका मेरे को ये भी नहीं पता वो कहाँ है डीजल वाला सिस्टम। तो गाइस पेट्रोल पंप पे आ गए, गाड़ियों की लाइन लग रही है तो मेरे को गाड़ी घुमा के लगानी पड़ेगी। सो अपनी I10 वो खड़ी और बाकी पेट्रोल वेट्रोल डला लेते हैं, डीजल वगैरह चलते हैं उसके बाद। तो गाइस पेट्रोल डलवा रहे हैं और चल रहा है सिस्टम, वो भी पेट्रोल डल जाता है फिर चलते हैं। मतलब गाड़ी का जो फीचर्स हैं वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, शानदार, साउंड भी बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। आज तो ऐसे लग रहा है कि भाई पायलट बन गया और एरोप्लेन चला रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है, बहुत शानदार गजब। सो पेट्रोल डल गया है, सोप चलेंगे। ओके गाइस तो चलो चलते हैं, चलो चलते अब। बस सामने ट्रैफिक लग रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, क्योंकि वहाँ से बाइक वालों ने ना शॉर्टकट रास्ता बना रखा है। सो वो उधर से ही अप डाउन करते हैं हाईवे पे जाने के लिए, क्योंकि ये NH8 है तो यहाँ से अप डाउन करने के लिए यहीं से ही निकलते हैं, शॉर्टकट बना रखा है इन्होंने। ये देखो ट्रैफिक लग रहा है यहाँ, शॉर्टकट अच्छा है इनका। अरे भैया निकल जाओ फटाफट, इतना टाइम लगाओगे क्या। निकल गए ट्रैफिक से तो निकल गए हम लोग। ये देखो इस हाईवे पे चढ़ने के लिए इन्होंने शॉर्टकट बना रखा है। तो भाई चलो I10 में चलते हैं अपन अब। सो I10 में कमी करने का है, अरुण भाई ये चला लेगा, अपन I10 चलाएंगे। तो चलो वो अपनी I10 खड़ी उधर, मेरी अपनी I10 और मोरी अपनी हैरियर, तो वो एरियर को ले जाएगा तरुण और अपन चलेंगे I10। तो यार ये तो अब है ना ऐसे लगेगी, 25 ही लगेगी उसके सामने, इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। वो तो है तरुण के हाथ में और ये है मेरे हाथ में और पीछे स्पोर्ट भी आ रही है। वैसे इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसको कैसे भी चला सकते हैं, जैसे मन में आए वैसे भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा एरियर को थोड़ा संभाल के भगाना पड़ता है, टाटा एरियर पीछे आ रही है अपने।
सो ये जा रही टाटा एरियर, ये गई टाटा एरियर गाइस। वाव यार खतरनाक चलाता, तो तरुण भी बढ़िया है, गाड़ी एक नंबर चलाता है। उसको तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं खड्डे पूछलों में, लेकिन इसको धीरे चलाना पड़ता है, आगे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं तो बहुत धीरे स्टेप चलाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी छोटी रह गई इस चक्कर में। वो गया मिट्टी उड़ाता हुआ, वाह गाइस वाह यार खतरनाक, कुछ धुंधला कर गया सामने से, सब कुछ दिख ही नहीं रहा कुछ। उधर है मैं इधर हूँ, उन पीछे के पीछे, और अपन चलेंगे यहाँ से लेफ्ट और ये अपनी आगे डेस्टिनेशन। थोड़ी दीदी के रुक के फिर चलेंगे। फाइनली हम लोग दीदी के घर पहुँच गए और अब थोड़ा ऊपर चल के उनसे बातचीत करेंगे फिर चलेंगे अपने घर पे वापस। लगा रहे हैं पार्किंग में, ये तरुण भाई है जो पार्किंग में लगा रहा गाड़ी को, तो लगाया इधर ही करते खड़ी साइड में, गाड़ी को पार्क लगा दिए। सो गाइस इस व्लॉग को मैं करता हूँ यही ख़त्म और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत।